खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। मध्य प्रदेश की राजनीति का पुराना नाम और प्रदेश में लंबे समय तक मंत्री रहे दमोह के पूर्व विधायक जयंत मलैया के अमृत महोत्सव में प्रदेश और देश के दिग्गज एक साथ जमा हुए। दमोह के एकलव्य विश्वविद्यालय में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह ने समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर अतिथियों ने जयंत मलैया के राजनीतिक सामाजिक योगदान को याद करते हुए प्रदेश के निर्माण में उनकी भूमिका का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मलैया जैसे लोगों ने सदैव जनहित को सर्वोपरि माना और चुनाव में हार के बाद भी लगातार जनसेवा कर रहे हैं। सुमित्रा महाजन, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा ने भी उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। भैया अद्भुत शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबके मन को जीत ले। सार्वजनिक जीवन उनका 50 साल से ज्यादा का हो गया। 1971 में कांग्रेस से निकल के पहली बार चुनाव में काम किया था उन्होंने, और तब उम्मीदवार थे स्वर्गीय विजय मलैया जी, और तब से लेके अब तक सबका दिल जीतते हुए बहुत सहज, सरल, संकोची, शिष्ट, शालीन, ऐसे के देखते ही प्यार उमड़ जाए, ऐसे है अपने जयंत मलैया। जयंत भैया, सच में ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वर्षों पुरा, जब तक शांति से काम निकले, शांत और शालीन, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो जयंत भाई रौद्र रूप भी धारण करते हैं। और पार्टी का काम अगर किया तन्मयता के साथ, मुझे याद आता है कोई भी काम जयंत भाई को दिया हो उसको बेहतर ढंग से, क्योंकि ठाकरे जी की शिक्षा ताई बता रही थी, उनकी छत्र छाया में संगठन का काम करना सीखा। अब गोपाल भाई बैठे हैं, गड़ाकोटा में गोली चल गई, तब भी शायद अरविंद सिंह थे मुख्यमंत्री, अब अर्जुन सिंह, उस समय जयंत भैया जीते ही जीते थे 84 में, बाय इलेक्शन पता है कि नहीं, पहली बार जीते थे 84 में, उपचुनाव लड़ा था, और उस भयानक माहौल में जब आतंक का राज था, उस आतंक को तोड़ने गढ़ाकोठा में घुसे थे जयंत भाई, और लोगों को आत्मविश्वास से भरने का काम किया। ये बात सच है कि दमोह जयंत मलैया जी के बिना अधूरा है। आज मैं करो जिम्मेदार, जयंत भैया हर दिल पे उन्होंने राज किया। देखो हार जीत तो चलती रहती है जी, मैं सच बता रहा हूं मुख्यमंत्री के नाते, जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया, और मैं उनको देता जाता था। अब वो मेरे साथ सरकार में ऐसा साथ निभाते, आप कल्पना नहीं कर सकते, गंभीर से गंभीर जिम्मेदारी का काम आप जयंत भाई को दे दो और भूल जाओ, फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं है। ये योग्यता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। जयंत भाई, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभारी हूं, आपने मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा की,
और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। इसलिए केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन अभी तो 75 के ही हुए, अभी लगता ही नहीं है कि 75 के हो गए, और इसलिए अभी तो काम करते रहना है। ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम, अभी तो काम करते रहना है, अभी तो और लंबे समय तक काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं ऐसा एक कार्यकर्ता, वित्त मंत्री तो थे ही, और वित्त मंत्री के रूप में भी खन्न रुपया बचने वाले ऐसे ये कार्यकर्ता, ऐसे ये मंत्री, कभी बद्दी आवाज नहीं आई काम करते समय। मंत्रिमंडल में होते हुए, संगठन में काम करते हुए, बिल्कुल बंदा रुपया, खन्न रुपया ऐसे मलैया जी है, सालों साल तक काम करते आए। कभी कभी होता था, सुधा बोलती थी, ताई देखो तो ये ऐसा नहीं, मैंने कहा कुछ मत बोलो, तू जितना काम करती है, बहुत उत्साहित है, बहुत काम करती थी अनन्य प्रकार का, मगर मैंने कहा तेरे पीछे मौन रूप से लेकिन अत्यंत ताकत के साथ वो खड़े रहते हैं, कभी तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करते हैं, मानना पड़ेगा, और सतत आशी कहीं ना कहीं कहते थे मैं हूँ, तुम करो, तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना उत्साह है, ये उत्साह वर्धन के और मुझे भी। जिन्होंने जन्म लेकर के पारिवारिक पृष्ठभूमि तो उनकी बहुत पुरानी है, जनसंघ से लेकर के उनके पिताजी, परिवार के सभी लोगों ने भूमिका निभाई है, लेकिन जयंत मलैया जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके अथक श्रम और मेहनत के कारण से जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को सींचने और खड़े करने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका बनी, केवल बुंदेलखंड के क्षेत्र में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मैं तो बहुत कम समय में, और जिसको मैं कहता हूं कि मेरा अनुभव भी उतना नहीं है, और जब वो राजनीति में आए थे 1971 में, तब मेरा जन्म 1970 का है, तो मैं तो जयंत मलैया जी से मैंने तो बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। और जयंत मलैया जानते हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद में जब काम करता था, तब से मेरा संबंध संपर्क उनके साथ रहा है। एक सहज व्यक्तित्व के धनी, लेकिन गंभीरता और कर्मठता किसी राजनेता की, जो इतने बड़े स्तर पर काम करते हो, उन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर के आदरणीय उमा दीदी से लेकर बाबूलाल गौर सबके साथ जो उन्होंने काम किया, इस मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक विकास इस नाते से भी प्रतिरूप स्थापित करने का काम आदरणीय जयंत मलैया जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर दमोह के क्षेत्र में, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में विकास की राजनीति को स्थापित कैसे किया जाए, उसका अगर कोई नाम इस क्षेत्र के अंदर है, तो इस क्षेत्र में जयंत मलैया जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सब लोग आज उनको याद, यहां पर आज उनके 75वें जन्म दिवस पर 75 वर्ष हम मना रहे हैं, तो आदरणीय जयंत मलैया जी ने जो काम इस क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए किया है, आज 75वें जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको शुभकामनाएं तो देते ही हैं, और उनके यशस्वी जीवन की कामना के साथ, जिस प्रकार से मैंने भी कुछ उनसे सीखने का प्रयास किया है, उन्होंने जो काम इस क्षेत्र में और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए किए हैं, आज भी उनके स्नेह और आशीर्वाद से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, हम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने का प्रयास कर रहे हैं, आज के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई प्रीतम जी, अभिलाष जी, जो यहाँ की जो हमारी टीम है, ये सब लोग भी मिलकर के जयंत मलैया जी के स्नेह और आशीर्वाद से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का काम और अपने दमोह जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में सब उनके स्नेह और आशीर्वाद से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जयंत भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज।